और भाई ये खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। बजट को लेकर प्रदेश के युवाओं में खासा उत्साह है। उनका कहना है कि बजट ऐसा होना चाहिए जिससे सस्ती एजुकेशन मिल सके। युवाओं का कहना है कि टैक्स को कम करना चाहिए और अच्छी एजुकेशन व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार के अच्छे अवसर पैदा हों। वहीं छात्राओं का कहना है कि ऐसे सिस्टम को डेवलप करना चाहिए जिससे रोजगार मिल सके। उनका कहना है कि अगर वो वित्त मंत्री बन जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी मदद पहुंचाएंगे और अच्छे सेवा का अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर हो जाऊं तो पहले जो एजुकेशन की जो शिक्षा नीतियाँ हैं, पुरानी नीतियाँ हैं, उनमें बदलाव करेंगे और नए बदलाव लाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो कॉलेज हैं उनमें हम लोग जॉब्स ऑफर करेंगे। बजट से ये चाहते हैं कि मतलब बजट से ये रहे, मतलब हमारी इकोनॉमी बढ़े, घटे ना। युवा जब आगे बढ़ेगा तभी उस बजट का कुछ लाभ होगा। और एक दूसरी चीज़ जो उसमें है, जो अभी हमारे देश में जो नई शिक्षा नीति आई है, अधिकतर कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में अभी नई बुकें जो है आई नहीं है। तो सबसे पहले बजट में ये भी चीज़ रखा जाए कि शिक्षा में जो बजट है उसमें सबसे पहले जो हमें बुकें हैं वो प्रदान की जाए कॉलेजों को और यूनिवर्सिटीज़ को। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे महाविद्यालय में प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि MBA ये सब लागू किया जाए, ताकि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं जिनकी फाइनेंस कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो भी कोई प्रोफेशनल कोर्स कर पाए। सर सबसे पहले तो मैं GST हटवाऊंगा, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसे हटवाऊंगा बुक्स पे से, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन है वो किताब पे लोगों ने पहले इतना रेट बढ़ा रखा, उसके बाद ये सरकार उस पर टैक्स लगा के और बढ़ा देती है। और ये फालतू जैसे रेलवेज वगैरह ये प्राइवेट गवर्नमेंट अच्छा कर दी है, जब ये गवर्नमेंट इस पर भी प्राइवेट कर देगी ना तो ये जो लोग फालतू में ट्रैवल करते हैं ट्रेन वगैरह में, तो इससे जो हमारी रेलवेज है ना वो हमेशा लॉस में चलती है। उधर बजट को लेकर उत्तरकाशी की जनता ने भी अपने सुझाव दिए हैं, सुनवाते हैं आपको। केंद्र सरकार जो है वो काफी कुछ कर रही है, लेकिन हमारे जो अगर हम व्यापारी की बात करें तो व्यापारी वर्ग को भी बहुत सारी अपेक्षाएं भी सरकार से हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो ये कर निर्धारण है, कर निर्धारण के जो स्लैब कई सारे बनाए हुए हैं GST के, वो थोड़े से कम किए जाएं, ये हमारी अपेक्षा रहेगी। उसमें उसका और सरलीकरण किया जाए, क्योंकि टैक्स की जो दरें हैं कुछ मदों में वो बहुत ज़्यादा हैं, वो कुछ में 5% है और उसके लेकर 9% है, फिर 18 है और 28% है। ये जो स्लैब है इस स्लैब को थोड़ा कम किया जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि इस बार ऐसा बजट पेश किया जाए जिसमें जो है हमारी दैनिक जो जीवनी है उसमें जो है वो बहुत मतलब आए दिन जो है उसमें महंगाई बढ़ोतरी होती जा रही है, रसोई गैस हो या फिर खाने का सामान हो, दालें हो, तेल हो। मूल रूप से इस समय रोजगार चाहते हैं और देश को इसी प्रकार जिस प्रकार प्रगति कर रहा है उसी प्रकार प्रगति देश करता रहे। आज के समय में बेरोजगारी सबसे बड़ी मार है और हम केंद्र सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि युवाओं को रोजगार दिया जाए और जो जिस राज्य में है वहाँ के युवक अपने ही राज्य में रोजगार करें, ताकि उनको दूसरे राज्य में जाने की उन्हें जरूरत न पड़े, ये हमें सरकार से उम्मीद करते हैं। वहीं बागेश्वर की जनता ने भी आगामी बजट को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। महिलाओं ने भी धामी सरकार के बजट पेश करने से पहले अपने सुझाव दिए। युवाओं को, जब युवा हमारे देश के कर्णधार है और देश के भविष्य है, आज युवा खोखला हो चुका है, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था हो। हमारे पूरे देश का जो एक मुद्दा है वो है महंगाई का, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सरकार ने काम करना चाहिए। हमारे बच्चे गांव छोड़ के यहाँ से बाहर भटकते हैं नौकरी के लिए, कम से कम उत्तराखंड के बच्चे जितने भी हैं हमारे घर से ही मतलब घर में रहे, घर से ही काम करे, बाहर नहीं जाए। जैसे सामान कुछ भी ले, मसाला ले, दाल ले, कोई भी दाल ऐसी नहीं है जो 150 रुपये से कम में मिल रही है। और चावल जो पहले से हमें 15 रुपये किलो मिलता था वो अभी 50 रुपये किलो पहुंच गया है, तो हम कहां जाएं, मतलब क्या करें। सरकार से हम इतना ही चाहते हैं कि गरीब आदमी की सहायता करे। अब मैं मकान बना रहा हूं, ये हल्द्वानी में बजरी 8,800 रुपये की है, भाड़ा 13,000 रुपये लग रहा है, ऊपर रोड में से नीचे लाने में फिर परेशानी हो रही है, फिर भाड़ा लग रहा है। सरकार से गुजारिश है कि गरीब आदमी की सहायता करे।